आपको बताएं, जनूबी पंजाब से पीटीआई को एक और झटका। साबिक एमपीए पीपी 258 मियां शफी मोहम्मद भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं। मखदूम हुस्र बख्तियार और मखदूम हाशिम जवाब बख्त के साथ खड़ा हूं। मियां शफी मोहम्मद ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया है। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मियां शफी मोहम्मद साबिक एमपीए पीपी 258 और मौजूदा टिकट होल्डर पीपी 259 हूं। हालिया 9 मई के वाकयात की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और मेरी फैमिली ने कभी इदारों से टकराव की सियासत नहीं की और मेरे सियासी मुस्तकबिल का फैसला यही है कि इन हालात में मैं मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम हाशिम जमा बख्त साहब, मखदूम अफकार हुसैन साहब, हम इन्होंने पीटीआई छोड़ दी है तो मैं इनके साथ ही खड़ा हूं और मैंने भी इनके साथ पीटीआई को खैरबाद कह दी है। शुक्रिया। आपको बताएं, जनूबी पंजाब से पीटीआई को एक और झटका। साबिक एमपीए पीपी 258 मियां शफी मोहम्मद भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं। मखदूम हुस्र बख्तियार और मखदूम हाशिम जवाब बख्त के साथ खड़ा हूं। मियां शफी मोहम्मद ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया है। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मियां शफी मोहम्मद साबिक एमपीए पीपी 258 और मौजूदा टिकट होल्डर पीपी 259 हूं। हालिया 9 मई के वाकयात की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और मेरी फैमिली ने कभी इदारों से टकराव की सियासत नहीं की और मेरे सियासी मुस्तकबिल का फैसला यही है कि इन हालात में मैं मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम हाशिम जमा बख्त साहब, मखदूम अफकार हुसैन साहब, हम इन्होंने पीटीआई छोड़ दी है तो मैं इनके साथ ही खड़ा हूं और मैंने भी इनके साथ पीटीआई को खैरबाद कह दी है। शुक्रिया।